ये आंवला एलोवेरा का जूस बन गया है, ये बीट कैरेट अदरक का जूस बन गया है, इसमें मैंने नींबू डाल दिया है, ये बाद में पियेंगे और ये सुबह सुबह पियेंगे। पी पी चुके एक्चुअली, सब मीका का ही बचा अब। सोच गुड मॉर्निंग। तो आज है गणगौर, हैप्पी गणगौर आप सबको। और मैं आज ना बहुत ज़्यादा रेडी नहीं हुई हूँ, तो बहुत गर्मी थी और मुझे अकेले घर में पूजा करनी होती है। ऐसा नहीं है अकेले भी करती हूँ तो भी बहुत उससे करती हूँ, साड़ी वाड़ी पहनती हूँ, और पर पता नहीं क्यों आज साड़ी पहनने का मूड ही नहीं करा और ना ही वैसे रेडी होने का मूड करा। बस पूजा करूँगी तब मैं नथ ज़रूर पहन लूँगी और बस इतना ही करूँगी। और मैं बताती हूँ मेरी तैयारी क्या है। तो ये हमारे यहाँ ऐसे बेसन के गहने बनाते हैं माता के, मैं बताती हूँ क्या क्या है। ये सबसे पहले ये है बोर, बिंदी, ईयरिंग, दूसरी ईयरिंग, वो चांद और सूरज वाला पिन होता है ना, वो नथ, हाथ की चूड़ियाँ दो दो, ये अंगूठियाँ, ये करधनी, ये पाँव की बिछिया, ये पायल, ये बाजूबंद, ये नेकलेस। आई थिंक सबसे सुंदर मैंने नेकलेस ही बनाया है। हलवा मैंने बना दिया, थोड़ा सा ही हलवा बनाया है मैंने, है ना, ये बेसन का हलवा बना दिया है। आज बहुत दिन बाद मैंने बेसन का हलवा बनाया, एक्चुअली मुझे अच्छा दिख रहा है यार ये। मैंने कभी लाइफ में कभी बेसन का हलवा नहीं बनाया, आज पहली बार बनाया है, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी होता है। मीका को ना पहले मैं ये जूस दे दूँ, मीका जूस पी ले, अभी मीका भी पूजा करेगी, पहले मैं मीका से पूजा कराऊंगी। पहले मैं ए सीधे बैठ, लेट के क्यों बैठे हो तुम लोग, समझ नहीं आता कि मीका चिल्वा मेरे से। बस सी बैठ, सीधी सीधी बैठ के पी, है ना, कमर टेढ़ी हो जाएगी तुम लोगों की, टेढ़े टेढ़े ही रहोगे तो तुम पड़े ही रहोगे। तो नमक नमक क्यों है वो तुम? थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया उसमें, नमक नहीं है एक्चुअली, आंवला ज़्यादा है, थोड़ा सा नींबू भी डाल दिया, आंवला नहीं था उसमें, नींबू ही है, नींबू और नमक है, आंवला तो अलग से खाया था अपन ने। ये आग रख दिया मैं भगवान, दिया लग गया, बाकी सारी तैयारी होगी, बस धूप दुर्वा और ये सब निकाल लेती हूँ। मैं कभी बैठ गई और मैंने ये छोटी वाली नथ पहन ली आज, बड़ी नहीं पहनी। हमारी सारी तैयारी हो गई, हम पूजा कर लेते हैं। अब मेरे साथ साथ ना करती जाना, है ना पूजा, ठीक है। सबसे पहले तो फूल से धीरे से छीटे मार, थोड़ा सा पास आ जा, तो बहुत दूर है, तो देर पे ही छीटे मार देगी ना, और फूल चढ़ा दे भगवान के। गणगौर जो है ना शंकर पार्वती की पूजा है ना, तो ये कुंवारी बच्चियाँ भी करती हैं, इनकी यंग गर्ल्स भी करती हैं, तो मैं मीका को भी साथ में, मैं वैसे भी कोई भी पूजा करती हूँ ना, मैं मीका को भी साथ में लेके बिठा के पूजा करवाती हूँ, वो भी तो सीखे ना, क्योंकि क्या होता है ना आजकल की जनरेशन ऐसी हो रही है जिनको कोई मतलब ही नहीं है, और पेरेंट्स भी सोचते हैं कि छोड़ दो क्या करना है ना, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि छोड़ दूँ मैं ये सब चीज़ें, मैं चाहती हूँ कि मीका सीखे, अपने कल्चर से रूटेड रहे। आँखों में काजल कहाँ लगाते हैं? गणगौर ना मेरा हमेशा से फेवरेट फेस्टिवल रहा है, हमेशा से, क्योंकि राजस्थान में बहुत अच्छे से बनता है गणगौर, और आप राजस्थान के बाद कहीं भी जाओगे ना तो आपको गणगौर का पता ही नहीं चलता, मतलब जब तक आप आपको याद ना हो कि इस टाइम आती है गणगौर। अब जैसे हमें, अब तो मैं इतनी बड़ी बड़ी क्या, आई मीन आई एम अ लेडी नाउ, तो मुझे मालूम है कि चैत्र नवरात्र के थर्ड डे पे आती है, तो पर पहले तो नहीं पता होता था, तो मम्मी से पूछती थी, सासू माँ से पूछती थी, तो इसलिए। और हमारे राजस्थान में तो बहुत अच्छे से गणगौर बनती है, बिंदौरा निकलता है और पता नहीं क्या क्या होते हैं, मतलब बहुत कुछ होता है, तो वहाँ बहुत मज़ा आता है गणगौर पे। अभी यहाँ मतलब बाहर निकलो पता ही नहीं चलता यार कि गणगौर है, और जबकि ऐसा नहीं कि मारवाड़ी नहीं रहते, यहाँ इतने मारवाड़ी रहते हैं कि पूछो ही मत, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली इस अपने ना एक सिस्टम नहीं बनाया, मेरी सिस्टर की इस सोसाइटी में तो उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है, ऑल द मारवाड़ीज हैव अ ग्रुप, जिसमें वो गणगौर वगैरह और जो भी हमारे राजस्थानी फेस्टिवल्स आते हैं ना वो सेलिब्रेट करते हैं, तो अच्छा लगता है यार एक तरीके से, और बच्चों को बहुत मज़ा आता है, उसके बच्चे तो बड़े इन्जॉय करते हैं। अभी कल जैसे बिंदौरा निकला, अभी राजस्थानी लोगों को पता होगा बिंदौरा क्या होता है, तो वो निकला, फिर अभी आज शाम को जैसे अभी पानी पिलाते हैं ना, पानी पिलाने के बाद गणगौर को विसर्जन के लिए भी जाना होता है, तो वो यहाँ पर होता ही नहीं है, तो मैंने तो ये किया हुआ है कि मैं अपने मेरे जो शंकर पार्वती हैं उन्हीं की पूजा करती हूँ, और मैं कोई विसर्जन नहीं करती, फिर मैं नॉर्मल पूजा करती हूँ, नॉर्मल ही पूजा कर रही हूँ, बस थोड़ा बहुत जैसा जो एक्स्ट्रा जो मेरी मम्मी कहती थी वैसा करते थे। और जो पिछली बार मैंने जो गुणे की बात करी थी ना, जो गुणे हम खा रहे थे, वो गुणे यहाँ पे चढ़ते हैं, लेकिन अब मेरे ससुराल में गुणे का कोई कल्चर नहीं है, तो फिर ठीक है जैसा ससुराल का वैसा ही कर लेते हैं। तेल में नहीं तो सारे चावल के लिए कर देगी, ये चावल तो कर देंगे ये वाले, ऐसे ले। अब मैं अपना चावल अलग करती जाना, एक एक चावल अलग करती जाना, हाँ जैसे एक एक हो जाए, एक मतलब एक बार हाँ एक बार में
गोर 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 आज गोर गोर घूमती सरभुज पार्वती पार्वती राला टीला गोर का सुना कटी कटीला दे टपका दे झाला रानी व्रत करता करता आर सो मार सो काना खेड़ा लाडू ले भी राने दी बीरो मन चुनर दी चुनर बने गोरा गोर बने सागो भाग्यो तन मन सोला दोनू जोर जोर जवारा गेहूं प्यारा रानी पूजे राज ने मैं पूजा सुहाग रानी को राज घटतो जाए माँ को साग बढ़तो गोर गोर गोमती ईश्वर पूजे पार्वती पार्वती राला ढीला गोर का सुना कटी कटीला दे टंका दे झाला रानी व्रत करता करता। अब इसमें ना पानी से सींचना होता है शिव पार्वती को, और जो मैरिड लेडीज़ हैं वो 16 बार करती हैं और जो यंग गर्ल्स हैं वो 8 बार करती हैं। अब कहीं पे उल्टा भी है, मेरे सिस्टर ने आज मुझे अलग ही बताया, उनके यहाँ पे 8 बार मैरिड लेडीज़ करती हैं और 16 बार यंग गर्ल्स करती हैं। तो अभी देखो राजस्थान में क्या, इंडिया में तो हर 10 किलोमीटर पर हर 100 किलोमीटर पर जो है भाषा भी बदल जाती है, तो कल्चर भी बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। तो ये जो पूजा है गणगौर ही, राजस्थान में ही गणगौर को अलग अलग तरीके से मनाते हैं सब लोग। ओके पूजा, और बस अब लंच करेंगे, 12 बजे से पहले पूजा कर ली मैंने, है ना, घर पे पूजा करते हैं। अब फिर शाम को जो है पानी पिलाएंगे, अलग पाटा पूजेंगे और पानी पिलाएंगे, है ना। तो बस इतना ही है यहाँ पे, तो छोटे शहरों की बात अलग होती है, वहाँ पे गणगौर हमारे यहाँ बहुत उत्साह से मनाते हैं, यहाँ तो मनी ऐसी मनती है यहाँ तो। चलो, और ये रच गई मेरी मेहंदी आज सीरियसली बहुत सिंपल रेडी हुई, मेरे जितनी भी पिछली गणगौर निकली है ना, मैं पता नहीं क्यों आज सुबह से मूड ही नहीं हुआ, नहीं तो मैंने नेल पेंट भी लगाती, तो मैं पायल नहीं पहनी, मैंने पायल नहीं पहनी, बिछिया तो पहन रखी है, पहनी हुई थी आज, पता नहीं कुछ तो हुआ, मतलब ऐसे ही सुबह से ही पता नहीं। चलो खाना खा ले, ओ भूत। क्या कल फ्राइडे, कल तो स्कूल है, फिर सैटरडे संडे छुट्टी, भाई छुट्टी आ गई इस बार तो। तो अप्रैल में स्कूल रखते क्यों है, किस खुशी में रखते हैं स्कूल, ईद आएगी, गुड़ी पड़वा आएगी और बहुत सारी चीजें आती हैं, रखना क्यों है स्कूल अप्रैल में, छुट्टी कर दो बच्चों की, तो हम कुछ प्लान कर ले। कैसे आए तो सी खाना खा लेते हैं, बिना प्याज लहसुन का खाना बनाया है आज, हाँ गणगौर है तो नमक नहीं, ऐसा बस नमक क्या है, लहसुन प्याज नहीं है। ये बैठा मेरा बच्चा, बोले एक में नहीं खाऊंगी मैं, खा ले चुपचाप एक में, क्या करेगी बड़ी होके, बड़ी होके सोएगी, सो तो सो भी सकती है। व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान, ये ना बच्चे ये माँ के ब्लॉग को इंटरेस्टिंग नहीं बना सकते ये बच्चे, बताओ माँ। मैं यूं कह रही थी कि ना मैं जस्ट दोस्त देखते हैं, तो दोस्त देखते हैं इसलिए ना ये बच्चे जो है भैया, ठीक है इट्स ओके। तो क्या है, हम देख रहे थे चैनल, मैं एक चैनल देख रही थी बीटेक पानीपुरी वाली भैया है, MBA चाय वाला है ना, वो मैडम बड़ा पाव बेच रही है, वो तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है शायद, तो ये लोग ये तो पढ़े लिखे नहीं है, मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रही हूँ। तो मतलब अभी फ्यूचर क्या आने वाला है मैं आपको बताती हूँ, द फ्यूचर इज गोइंग टू बी लाइक MBA पोहा वाली है ना, PhD रसगुल्ले वाले, कॉमर्स मेकअप, यू डोंट नो अबाउट डिग्रीज, अभी यू आर इन जस्ट सेवन क्लास, बीकॉम तो वैसे भी, प्लीज मैं बड़ी डिग्रीज की बात कर रही हूँ, हाँ ना बड़ी डिग्री जैसे डॉक्टरेट हो गया कोई, PhD हो गई, हाँ ठीक है इट्स ओके, तू छोटा बच्चा है, तू छोटा बच्चा है, यू डोंट नो अबाउट द बिग डिग्रीज, बड़ी डिग्रीज क्या होती हैं, है ना, MTech हो गया, MTech पराठे वाला, और कचौरी, MSc बायोटेक कचौरी वाला, हाँ जा रही हूँ, डॉक्टर राघव इंजेक्शन में भर के जो है रसमलाई देंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी द इंडिया का फ्यूचर, ऐसे यही होने वाला है थोड़े दिन में, क्योंकि इन लोगों ने पढ़ लिख के ठेले लगाने, नौकरियां तो है ही नहीं, तो कहीं भी क्या करेंगे ना बेचारे, नहीं कुछ नहीं कर सकते ये, नौकरी और कर पता नहीं जो भी है, यही करने वाले हैं पढ़ लिख के, पढ़ना लिखना क्यों है इन सब चीज़ों के लिए, मुझे ये नहीं समझ में आती, बस पढ़े लिखे होने की एक्टिंग कर लो, हो सकता है ये लोग भी एक्टिंग ही कर रहे हो,
अपने को बेवकूफ बना रहे हो। चलो जो भी कर रहे हो, अभी मेरी तो गंगोर की पूजा हो गई है। वैसे मैं भी MBA housewife वाली हूँ, अभी तो I am MBA housewife। तो चलो, ये कोटा में मेरी मम्मी और भाभी ने कर ली पूजा, और यहाँ पे लोग डांस वांस भी करते हैं। शाम को फिर कुछ प्रोग्राम होंगे, और इसी के साथ इस ब्लॉग का समापन कर देती हूँ मैं। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।